गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून ऑल। Okay, I'll continue. We were studying different instruments. We have already studied autoclave and hot air oven and incubator. Now the next instrument we are going to study is today autoclave. तो हम लोगों ने हॉट एयर ओवन पढ़ा। मैंने आपको बताया था हॉट एयर ओवन का मेन पर्पस क्या होता है कि वी यूज टू ड्राई एंड स्टरलाइज ग्लासवेयर्स। स्पेसिफिकली वी यूज इट फॉर ग्लासवेयर ड्राइंग एंड स्टरलाइजेशन। साइमल्टेनियसली हॉट एयर ओवन कैन बी यूज टू ड्राई द बायोलॉजिकल मटीरियल और फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू स्टडी द ड्राई वेट। फ्रेश वेट वी कैन टेक डायरेक्टली आफ्टर कटिंग और वेइंग द प्लांट इन फ्रेश कंडीशन, और ड्राई करने के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ऑटोक्लेव। मैंने वहां ये बताया था हॉट एयर ओवन में कि हम लोग उसमें मीडिया को नहीं रखते, क्योंकि मीडिया के बॉइलिंग और ऊज आउट होने का खतरा रहता है, और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मीडिया ड्राई हो जाएगा, हॉट हॉट होकर के बॉयल होकर बाहर निकल के वो ड्राइंग कंडीशन में आ जाएगा, तो दैट इज अ रिस्क। और कभी कभी ये भी होता है कि कॉइल के ऊपर आ जाने पर बर्निंग कंडीशन भी हो सकती है। वैसे तो कॉइल कवर्ड होती है, बट इट मे ऊज और लीक टू द। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वॉइस इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, दैट इज ऑटोक्लेव। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो व्हाट इज ऑटोक्लेव and how it differs from hot air oven? An autoclave is a machine that provides a physical method of sterilization by killing microbes like bacteria, viruses, and even spores or fungal spores present in the material put inside the vessel using steam under pressure. So how we do the sterilization under this autoclave? Steam under pressure. If we study the name, auto means self, or claving means a closed cavity. So autoclaving self-sterilization into the cavity using steam under pressure. So this is the basic technique. Now objectives to use the autoclave. Why we use autoclave? Autoclave sterilizes the material by heating them up to a particular temperature for a specific period of time. The case mein ye bahut specific cheez hai ki hum ek particular temperature use karte hain aur usko ek specific time period tak use karte hain, है ना। और हर चीज के लिए मान लीजिए ग्लासेस करने हैं या मीडिया करना है, या हम लोग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी इसमें ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, यानी स्टरलाइज कर सकते हैं। और गॉज है, मेडिकल गॉज है, कॉटन है, इस तरह बैंडेजेस है, उनको भी किया जा सकता है, लेकिन उसका भी तरीका है करने का, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है द ऑटोक्लेव इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टीम स्टरलाइजर दैट इज कॉमनली used in healthcare facilities and industries for various purposes.
Third is autoclave is considered a more effective method of sterilization as it is based on moist heat sterilization. तो moist heat sterilization एक specific level पे जाकर के microbes तक को kill कर देती है. Microbes are spores तक को. Then what is the principle behind this autoclave technique? The principle used here is to increase the temperature of the steam. Means making it in the gaseous form in a closed system that increases its temperature. The water molecules become more aggregated, that increases their penetration considerably. यानी जब हम इसको किस लेवल तक ले जाते हैं कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वेपराइज फॉर्म में या वेपर्स में और स्टीम में, तो ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज कर देता है ये कैपेबिलिटी. तो वो इनर सरफेस तक स्टीम की हीट पेनिट्रेट करके कि अंडर मॉइस्चर कंडीशन है दैट किल्स द माइक्रोब्स स्पेसिफिकली. द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वी नो दैट डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड इन द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर इज इंक्रीज्ड. दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर is shown in the following table, how it correlates. I have taken this from Google. This is showing the pressure temperature relationship. These are the pressure column, this is temperature column. If 0 degree pressure, it is indicated in pounds per inch square, temperature is 100 degree. If we increase the pressure 5 pounds, then it temperature also increases 109. On 10, 115.5, 15 lb or 15 pounds pressure, 121.5 degree Celsius. Likewise, 20, 25, 30 and 40. If we take the 40 pounds per inch square, the temperature increased up to 141.5. More than that temperature is rarely used for biological material for sterilization. Or generally what we use 15. It is written over here also. The autoclave is usually operated at 15 pounds per square inch steam pressure for 30 minutes. Dekhiye, specific time bhi hai. Not more than 30 minutes we use for biological material, which as seen from the above table correspond to 121.5 degree Celsius. This temperature for a period of 30 minutes is sufficient to kill all spores and vegetative cells of microorganisms. So this much temperature is sufficient. अभी तो जो वायरस के लिए जो इस समय कोविड चल रहा है कोरोना वायरस कोरोना सार्स टू के लिए कह रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे ही इट इज डिसोसिएटेड. मीन्स इसमें डीजनरेशन हो जाता है, इसकी लिपिड लेयर अलग हो जाती है. तो बिकॉज इट इज कवर्ड बाई लिपिड लेयर, तो ये इतने में ही हो जाता है. और हम माइक्रोब्स में बैक्टीरिया कुछ बहुत हाई टेम्परेचर मीन्स 130 और 141 पे होते हैं, तो हम लोग इसको फिर हाई प्रेशर पे यूज करते हैं. सो दैट इज रेयर द केस. Okay, what precautions we have to take while using this technique? The following precautions are to be taken. The one is the level of the water should be checked before operating. और जो पानी का लेवल है इसके अंदर एक कंटेनर होता है, मैं आगे आपको इसके कंपोनेंट्स बताऊंगी. उसमें वाटर लेवल जरूर चेक होना चाहिए क्योंकि उस लिमिट से ऊपर वाटर लेवल नहीं भरना है. क्यों? क्योंकि वो ऑटो स्टीम जनरेशन का काम करता है. जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो कभी कभी बर्स्ट हो जाती है वेसल. तो द एयर शुड बी कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड फ्रॉम द ऑटोक्लेव. एयर पूरी निकाल देनी है, वैक्यूएशन करना है. एंड स्टीम मस्ट हैव एक्सेस टू मटेरियल्स टू बी स्टरलाइज्ड. स्टीम जो है जब हम इवैक्यूएट कर देंगे एयर को, तो स्टीम सर्कुलेट होगी इनर साइड में, वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर के लिए सिस्टम को स्टॉप कर दिया जाता है. इफ अ मटेरियल सच एज कॉटन वूल और ग्लास बीड्स इज टू बी स्टरलाइज्ड इन ए ग्लास बॉटल क्लोज्ड विद रबर स्टॉपर, द स्टरलाइजेशन वुड नॉट बी कम्प्लीट एज स्टीम कैन नॉट पास थ्रू द रबर स्टॉपर. तो रबर स्टॉपर से नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग कॉटन वूल को यूज करते हैं ताकि मटेरियल जो हम ले रहे हैं मीडिया वो अंदर तक स्टरलाइज हो जाए. तो कॉटन वूल से कैपिलरी के थ्रू पास कर सकती है स्टीम, लेकिन रबर स्टॉपर से नहीं. तो हम लोग किससे करते हैं? कॉटन वूल से इसको कवर करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है. आती है टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स. तो हम लोग मैकेनिकली यानी मशीन के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं.
तो इंस्ट्रूमेंट है हमारा ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव जो है वो बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं लेबोरेटरीज में, वो जनरली ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट होता है. ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ ऑटोक्लेव जो नंबर वन पे यहाँ एनलिस्ट किया गया है. इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेबोरेटरी एंड इट्स अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड डायमेंशंस. इसमें फर्स्ट है वर्टिकल टाइप, दैट इज अ स्मॉल वॉल्यूम कैपेसिटी, एंड हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, दैट इज लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी. इसके साथ साथ दूसरे टाइप का ये भी यूज किया जाता है रेयरली, पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ ऑटोक्लेव. तो इसमें पॉजिटिव प्रेशर, एज वी इंक्रीज द प्रेशर अकॉर्डिंग टू द टेबल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर टेक्स प्लेस, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव. थर्ड इज नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम डिस्प्लेसमेंट टाइप. जस्ट अ मोमेंट. Actually, some construction work is going on, so bulldozer type instrument is continuously okay. Negative pressure or vacuum displacement type. Negative pressure means as we stabilize or reduce the pressure, evacuation or vacuum displacement type of means we create the vacuum inside the autoclave and use this technique for that. Okay, this is vertical type as listed there. देखिए इसमें ये इसके parts हैं, मैं आगे आपको parts भी बताऊंगी, और नहीं तो इसी में हम लोग समझ सकते हैं इसको. ये vertical means खड़ा हुआ है ना, like this. So this is called vertical. इसमें ये ऊपर की तरफ एक lid है, ये lid लिखा हुआ है. Lid में ही safety valve लगा होता है जैसे आपके कुकर में होता है, तो इसको हम pressure cooker type भी कह सकते हैं. ये pressure gauge है जो show करती है कि कितना प्रेशर जनरेट किया जा रहा है. निशा आप अपने को म्यूट करिए. निशा चौरसिया यू आर अनम्यूटेड, तो आपके यहां से भी आवाज आ रही है. ओके सो दिस इज लिड विथ सेफ्टी वॉल्व. सेफ्टी वॉल्व जैसे प्रेशर कुकर में हम सेफ्टी ऊपर से हटा देते हैं तो प्रेशर निकल जाता है, तो ये सेफ्टी इसको कवर किए रहती है. और डिस्चार्ज टैप है, यानी जब हमें निकालना होता है एयर को तो हम डिस्चार्ज टैप को यूज करते हैं ताकि प्रेशर रिलीज कर सके. और प्रेशर गॉज बताती है कि हमारे इस कंटेनर में इतना प्रेशर अब मेंटेन हो गया है. अब ये इनसाइड द कैविटी ऑफ द ऑटोक्लेव और द मैकेनिक मशीन व्हाट वी हैव, देयर इज अ परफोरेटेड प्लेट एंड ए कंटेनर. ये एक वेसल है जिसमें कि वाटर फिल किया जाता है. इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो कि बेस पे होता है, और ये वाटर को हीट अप करता है और हीट अप करके स्टीम जनरेट करता है. और उसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करते हैं उसके अंदर प्रेशर मेंटेन होता है. तो कितने प्रेशर पे कितनी स्टीम होगी ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. और बिल्कुल सिंपल एक कुकर की तरह से इंस्ट्रूमेंट है. कुकर में अंदर लेट डाल के बंद करिए, ऊपर से बंद करिए, हैंडल होता है. तो इसमें भी और पार्ट्स भी होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी. तो ये बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन है जो कि वर्टिकल टाइप है. देखिए ये बाहर से देखने पर ये वर्टिकल है और प्रेशर कुकर टाइप बेस्ड है. इसको हम स्टोव टॉप कहते हैं, यानी स्टोव टॉप टाइप जैसे स्टोव पे रखने वाले कुकर का होता है ऑटोक्लेव. देखिए उसी तरह से अब ये थोड़ा और स्पेसिफाई करके दिखाया है. मीट्रिक यूनिट है, प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है, सेफ्टी वॉल्व है, ऑटोक्लेव लिड है. इसको भी घुमा के खोला जाता है बिल्कुल प्रेशर कुकर की हैंडल से जैसे आप लोग खोलते हैं, लेकिन ये दोनों हैंडल इसमें यूज होते हैं. ये ऑटोक्लेव बॉडी कहलाती है. बाहर से ही स्टीम रिलीज वॉल्व होता है, यानी हम चाहें तो यहाँ से स्टीम जो रिलीज कर सकते हैं हम सेफ्टी वॉल्व से, रेगुलेटिंग डिवाइस से, वो यहीं से ओपन और क्लोज करके कर सकते हैं. ये वैक्यूम रिलीज वॉल्व है. जब हम वैक्यूम को क्रिएट करते हैं तो हम इसको वैक्यूम रिलीज करते हैं तभी ये ओपन होता है. और ये इसका स्टैंड है, बेस है. तो दिस इज वैसे इसको कहते हैं हम इनिशियल टाइप और ओल्ड टाइप, लेकिन इट इज वेरी एफिशिएंट फॉर द लैब यूज इन स्मॉल लेबोरेटरीज. ये हॉरिजॉन्टल टाइप है जो मैंने सेकेंड एनलिस्ट किया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये देखिए इसके बड़े स्टैंड पे यहाँ इसकी मीट्रिक यूनिट लगी होती है, कंट्रोल पैनल होता है, क्योंकि ये सामने से खुलता है. लिड इसकी फ्रंट में होती है, जैसे आप लोग की वॉशिंग मशीन भी फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग होती है, उसी तरह से वर्टिकल टॉप लोडिंग ऑटोक्लेव होता है और ये फ्रंट लोडिंग ऑटोक्लेव होता है.
तो इसमें सारे यहाँ सिस्टम इस पैनल में दिए रहते हैं, प्रेशर रिलीज, प्रेशर मेंटेन और प्रेशर गॉज यहीं पे शो करती हैं। और ये यहाँ से ओपन करने के लिए इसमें ये व्हील लगा होता है, 1, 2, 3, 4 इसके हैंडल्स हैं। व्हील को हम एंटी क्लॉक करेंगे तो खुल जाएगा, क्लॉक करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो एंटी क्लॉक करेंगे तो ये यहाँ से नॉब्स को रिलीज कर देगा और ये फ्रंट साइड में ओपन हो जाएगा, लेकिन ये ढक्कन अलग नहीं होता है उसकी तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप है। बाकी इसमें इंटरनल सिस्टम ऑलमोस्ट सेम होता है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल का है, यहाँ से ये कनेक्टेड है नीचे वैक्यूम सिस्टम से, और ये इसकी कवर है पूरा यानी वेसल है, और ये इसका लिड है। तो क्विक ओपनिंग डोर होता है चूंकि हम इसको रेगुलेट करते हैं हैंडल्स की हेल्प से, और पूरी शीट इंसुलेटेड होती है। इसके अंदर यहाँ पर ये जो है कॉइल लगी रहती है, जो हीटिंग एलिमेंट है वो इसकी वॉल में होता है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल टाइप है। और ये जो आप सामान रखती है इसमें रख सकते हैं, ये परफोरेटेड प्लेट होती है और इसी में पानी को फिल किया जाता है, तो वाटर फिलिंग टैंक सेपरेट होता है इसमें, और ये इस तरह से इसको हम लोग मैनेज करते हैं, राइट। एंड दिस इज स्लाइटली मॉडिफाइड वर्टिकल ऑटोक्लेव, ऑलरेडी रिटन, आई हैव टेकन द सोर्स फ्रॉम वेयर। सो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, इसमें यहाँ पैनल इन एडिशन दिया गया है ना, इन एडिशन पैनल विच हेल्प्स, जो यहाँ पे नॉब बनी हुई थी ये है, और उसी तरह से जैसे फ्रंट लोडिंग में था, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, ये हैंडल्स लगे हैं। जब हम इसको एंटी क्लॉक करते हैं, हैंडल्स को घुमाते जाते हैं, तो ये यहाँ से बटन्स रिलीज हो जाते हैं और ये खुल जाता है, स्लाइडिंग ऊपर नहीं, ऊपर थोड़ा सा उठेगा और यूं खुल जाएगा। तो इसको जब ये पूरा रिलीज हो जाता है, यानी पूरा एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमा देते हैं व्हील को हम, तो यहाँ पे एक फुट लगा हुआ है, देखिए मैं एरो से आपको बता रही हूँ, ये फुट है, यू कैन सी हियर, अगर आपको एरो नहीं दिखाई दे रहा है तो आई कैन टेक लेजर पॉइंटर, ये दिस इज फुट। ये फुट को हम नीचे प्रेस करते हैं, फुट कहते हैं इसको, फुट नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये ढक्कन ऊपर उठ जाता है, और इसको हम दाहिनी तरफ या बाई तरफ मोड़ सकते हैं, कनेक्टेड रहता है इसके साथ, तब ये ओपन हो जाएगी लिड, लेकिन लिड लगी रहेगी इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसमें यहाँ पर वाटर लेवल के लिए विंडो दी रहती है, जिसमें वाटर लेवल आपने कितना डाला है वो दिखता रहता है, और वाटर डालने के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक यूनिट दी गई है। इसको यहाँ से पानी भरते हैं, खोल देते हैं, तो वाटर इसकी बॉडी में चला जाता है, तो आपको पोर नहीं करना है, सब आप एक्सटर्नली मैनेज कर सकते हैं। अगर लिड बंद भी है तो भी आप पानी को इसमें डाल सकते हैं। उसी तरह से वाटर रिलीज भी है नॉब यहाँ पर, अगर ज्यादा पानी हो गया कम करना है तो भी कर सकते हैं, या काम करने के बाद जब पूरा यूज कर लें इंस्ट्रूमेंट तो वाटर को यहाँ से निकाल दिया जाता है, बॉडी में भरा हुआ नहीं छोड़ते हैं, रस्टिंग हो जाती है, और बाकी चीजें यहाँ से कंट्रोल होती हैं, ये प्रेशर गॉज नॉब, स्टीम रिलीजर सब इसी में कंट्रोल्ड है, और ये स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड लाइक होता है, तो दिस इज वर्टिकल। और ये लैब में रखे हुए हैं पीछे, जब खुलेगा फल तो प्लीज एक बार इसको जरूर देखिएगा, है ना, जो चीज पढ़ा रही हूँ लगभग सभी चीजें आपकी लैब में है। अब आते हैं कंपोनेंट्स, जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली बताए, तो कंपोनेंट्स में पहला हो गया सिलिंड्रिकल वेसल, इट इज मेड अप ऑफ गन मेटल, है ना, फॉर वाटर फिलिंग पर्पस। सेकेंड इज कंट्रोलर, कंट्रोल पैनल भी हो सकता है, सेपरेट कंट्रोल नॉब भी हो सकती है, तो पूरे पैनल पे क्या क्या होगा, टाइम एंड टेम्परेचर नॉब विच इज प्रोग्राम बाय द यूजर, आपको यूज करना है, यू आर द यूजर, यू हैव टू सेट द टाइम, यू हैव टू सेट द टेम्परेचर एंड मेंटेन द प्रेशर। थर्ड इज वाटर लेवल विंडो, मैंने आपको दिखाई थी, तो वाटर लेवल विंडो है, एंड फिलिंग भी हो सकता है, फिलिंग टैप फॉर द वॉटर। देन लिड ऊपर जो लगी होती है या हॉरिजॉन्टल में साइड में होती है, विद प्रेशर गॉज, सेफ्टी वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व, है ना, और इसमें वैक्यूम ब्रेकर नॉब भी होती है, यानी जब हम नीचे से प्रेस करते हैं तो वैक्यूम बाहर से जो हमने मेंटेन किया था वो ब्रेक हो जाता है और इजिली लिड खुल जाती है। अंदर इसकी बॉडी में परफोरेटेड प्लेट होती है जिसपे हम सामान रखते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, इट इज यूज टू कीपिंग आईएनजी द मटीरियल टू बी स्टरलाइज। ड्रेन वॉल्व होता है नीचे की तरफ, ड्रेन का मतलब पानी निकालने के लिए टैप होता है, इसको हम ड्रेन वॉल्व कहते हैं, अगर पानी निकालना है खत्म करना है तो ड्रेन कर देते हैं। और फुट होती है जो टू लिफ्ट लिड, लिड को लिफ्ट करने के लिए इसमें फुट लगा होता है नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत हार्ड मशीन है, इजिली हैंडल नहीं होती है, तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। ये अब उसी को मैंने बहुत लाइन डायग्राम एक सेलेक्ट किया है, उसी से शो किया है आपको, ये फुट हो गया, कवर ओपनिंग लिवर और फुट कहते हैं, ये इनर चैम्बर है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, ये आउटर कवर है जो कि डबल होता है, इंसुलेटेड होता है, बाहर से छुएंगे तो उतना गर्म नहीं आपको लगेगा, लिड जरूर गर्म लगेगी,
प्रेशर इंडिकेटर है, यहाँ पूरा जो सेपरेटली लगा होता है मेन ऑन ऑफ स्विच होता है। देन ये कनेक्टर है, यानी लिड हटती नहीं है, यही राइट एंड लेफ्ट हो जाती है लिड, और लेकिन कनेक्टेड रहती है, इससे कवर लिड है। और ये इसकी नॉब्स हैं जिसको हम कहते हैं रीडायल लिड लॉकिंग सिस्टम। जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो ये लिड बंद होती जाती है और ये बाहर निकल आते हैं सारी नॉब्स और लिड को क्लोज कर देते हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो खुलती जाती है, और खुलने के बाद ये सारे लॉक अंदर चले जाते हैं, और हम जब प्रेस करते हैं फुट को तो ये ऊपर उठ जाता है ढक्कन, इसको साइड में सरका देते हैं। इसी पे प्रेशर सेफ्टी वॉल्व ऊपर लगे होते हैं, यानी प्रेशर रिलीज के लिए, राइट, और सेफ्टी वॉल्व या सेफ्टी होती है इसमें। तो ये मैंने इसको लाइन डायग्राम से आपको दिया है, यू कैन यूज दिस डायग्राम फॉर योर प्रैक्टिकल कॉपी। मैं आपको शेयर कर दूंगी ये इंस्ट्रूमेंट की स्लाइड, आप इसी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के प्रैक्टिकल कॉपी में तीनों इंस्ट्रूमेंट लिख लेंगे। अभी मैं फर्स्ट वाला आपको शेयर करूंगी, क्योंकि वो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप ही लोगों में से कोई शेयर करेगा, है ना। मैंने प्रीति को कहा था तो प्रीति के पास तो होना चाहिए, आपने अटेंड किया है, आप में से जिसने भी अटेंड किया है आप उसी की पीडीएफ बना के फोटो खींचिए, अपनी कॉपी की पीडीएफ बना करके और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, ये स्कीमेटिक व्यू है हाउ इट वर्क्स। देखिए इसमें एरो से दिखाया है, है ना, ये नीचे की तरफ हीटिंग कॉइल होती है जहां पानी भरते हैं, स्टीम यहां से सप्लाई होके ऊपर आ जाती है परफोरेटेड प्लेट पे, जैसे आपका कोई मीडियम रखा गया है कल्चर मीडियम, ठीक है। अब ये जैकेट में से होती हुई स्टीम बॉडी में एंटर करती है ना, आउटर वॉल से इनर चैम्बर में एंटर करती है, और ये ओपनिंग डोर के लिए बाहर से दिया गया है। तो ये जैकेट में से आके स्टीम नॉब से या होल से एंटर करती है, और एंटर करने के बाद इसको स्टरलाइज करती है, और जब हम ड्रेन खोल देते हैं तो ये स्टीम वापस बाहर निकल जाती है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में। जब ये क्लियर हो जाता है तो स्टीम एग्जॉस्ट पाइप क्लियर होने के बाद से अंदर जो वैक्यूम मेंटेन है वो ब्रेक हो जाता है, और अब हम इसको खोल सकते हैं, यानी जब तक ये प्रेशर कंप्लीटली रिलीज ना हो तब तक नहीं खोला जाएगा। तो ये एरो से दिखाया गया है किस तरह से इसको ये वर्क करता है। This is working of or schematic diagram of autoclave working, है ना, ये working है इसकी। Now procedure how it works, sufficient amount of water is placed inside the autoclave. बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, केवल 12 लोग, 11-12 लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग आपस में सर्कुलेट करिए, दे मस्ट ज्वाइन, क्योंकि एग्जामिनेशन कंफर्म है आपका। सेकंड है द मटेरियल, पहला हो गया सफिशिएंट वाटर डाल दिया, द मटेरियल इज प्लेस इनसाइड द ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, द कॉटन प्लग शुड बी कवर्ड विद अ पीस ऑफ पफो पेपर, बटर पेपर सॉफ्ट पेपर होता है जो कि वाटर को अंदर नहीं जाने देता, केवल स्टीम जा सकती है, सो दैट द प्लग डस नॉट वेट, गीला नहीं होगा। द लिड ऑफ द ऑटोक्लेव शुड बी टाइटेन विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज, देन स्विच ऑन द प्लग, जब ये कंप्लीट सेटिंग हो जाए तब स्विच करते हैं ऑन। द स्टीम आउटलेट इज केप्ट ओपन टिल वी फील दैट द एयर फ्रॉम इनसाइड द ऑटोक्लेव हैज बीन इवैक्यूएटेड। हम लोग ऊपर जो स्टीम आउटलेट है उसको ओपन रखते हैं सेफ्टी को, जब तक कि उसमें से स्टीम पूरी निकल ना जाए और वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए, देन क्लोज द स्टीम आउटलेट। द प्रेशर इज अलाउड टू रिमेन एट 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच फॉर 15 to 30 minutes। अगर कोई सॉफ्ट है हमारा मटेरियल तो हम 15 मिनट्स और 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम रखते हैं। इज डन बाय कंट्रोलिंग द स्टीम इन द वॉल, जो हमारे पास बाहर प्लग है उसी से हम इसको कंट्रोल करते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स स्विच ऑफ द करंट, और अगर ऑटोमेटेड है 30 मिनट आपने सेट किया है तो वो ऑटो ऑफ हो जाएगा, एंड लेट द ऑटोक्लेव कूल, जब तक ठंडा ना हो इसको हमें ओपन नहीं करना, एंड दस द प्रेशर कम्स डाउन टू जीरो मार्क, प्रेशर जीरो तक आ जाएगा जब तक वो ठंडा नहीं होता। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी आप हिला के देखते हैं, अभी प्रेशर है इसमें, थोड़ा सा और रुक जाए, है ना, तब तक रुकेंगे जब तक कि इसका प्रेशर कंप्लीटली जीरो तक ना आ जाए, आपकी उसमें दिखाएगा गॉज में, प्रेशर गॉज में। When the autoclave is cooled down, the lid is opened and taken out material. तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है स्टरलाइजेशन का, but very important to use in the laboratory. तो माइक्रोबायोलॉजी में तो जनरली यूज किया जाता है, टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, हम लोग कोई भी टेक्निक फॉलो करने से पहले स्टरलाइजेशन ऑफ मीडियम करते हैं, एंड देन वी फॉलो द कल्चर।
यूजेस आपको अब समझ में आई गए इसकी. द ऑटोक्लेव इज यूज टू स्टरलाइज यूजुअल नॉन कार्बोहाइड्रेट मटीरियल ब्रॉथ्स. ब्रॉथ्स मीन्स लिक्विड कल्चर मीडियम एंड अगर मीडियम. कंटामिनेटेड मीडिया और प्रॉन्स रबर ट्यूबिंग्स को भी कर सकते हैं, रबर ग्लव्स एटसेट्रा. वी कैन स्टरलाइज इवन देन वी कैन स्टरलाइज द ग्लासेस ऑल्सो. This type of sterilization is also used in the commercial canning of fruits and vegetables. जब हम fruits and vegetables को can करते हैं, यानी tin के डिब्बों में भरते हैं, या उनको preserve किया जाता है, या उनसे कुछ आगे content बनाया जाता है industry में, तब भी हम इस use करते हैं. Also in order to manufacture sterilized milk, हम लोग milk industry में भी sterilized milk को prepare करने और storing के लिए या packaging में उससे पहले इस टेक्निक को यूज करते हैं स्टरलाइजेशन की. सो दिस इज अबाउट ऑटोक्लेव. इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोगों ने यूज किए. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग थ्री इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन आस्क. You can unmute yourself and you can ask. We have 5-7 minutes. मैम ये तीनों तो समझ में आ गया है. हाँ बोलो अदिति, तीनों आ गए समझ में? Yes ma'am, तीनों. मैं ये स्लाइड आपको शेयर कर दूँ. ओके मैम. और मैम ये तो साइट पे भी है ना, सब जगह मिल जाएगा आपको. जेएनसीयू वाले पे भी है मैम ये वाला. जेएनसीयू वाले पे ऑटोक्लेव और वो दिया हुआ है. मैं ऑटोक्लेव नहीं है मैम, बाकी दिया हुआ है. ओवन, इंक्यूबेटर, ये सब है. हाँ, इंक्यूबेटर और हॉट एयर ओवन है, वहां से आप नोट कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं. ऑटोक्लेव में, ऑटोक्लेव में दोनों तरह का, वर्टिकल ऑटोक्लेव और हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव आप लोग बनाएंगे. उसमें लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑटोक्लेव, कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव, यूजेस और हमारे एग्जाम्स कब तक होंगे? बेटे अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि 31st तक तो मतलब बंद कर दिया गया है यूनिवर्सिटी. उसके बाद ही कोई आएगा. वेट कर रहे हैं, शायद 30 और 31 में कोई नोटिफिकेशन आएगा. ओके मैम, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी खोलेंगे तो अभी तो 20 तारीख से क्लासेस ऑन की है इन्होंने, तो मुझे लगता है कि 15 जून के बाद ही जाना चाहिए एग्जाम. आई होप सो, क्योंकि आई डोंट नो आपसे. और नहीं, अभी तो आप लोग 2 बजे मिलेंगे, ठीक है? दो बजे प्रीति ओझा का और गोल्डी का सेमिनार है, छोटे छोटे दो सेमिनार है, तो वी विल फॉलो इट. ओके, सी यू सून. ओके मैम.